हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। तो गाइस, बस बच्चों का स्कूल खुल गया है, बच्चों को जल्दी जल्दी रेडी किया, उनका बैग तैयार किया मेरा। तो गाइस, फिर से उसी रूटीन में आ चुके हैं, बच्चों को रेडी करो, ये करो, वो करो, बस यही होता है। तो गाइस, चलिए मिलते हैं, थोड़ा इनका बैग वगैरह रक्षे में रख दें। तो गाइस, बच्चे रेडी हो गए हैं, डुबो हो रहा है, अगला कितने उसमें जा रहे हैं बच्चे, डुबो हो रहा है, डुबो को डुबो। बच्चों कैसा लग रहा है? हैं? हाय तो बोल दो। हाय। एक महीने में स्कूल जा रहे हो ना? चलो बाय, हैप्पी हैप्पी होके जाओ। तो गाइस, बस बच्चों का मूड ऐसा ही ऑफ हो रहा है। गाइस, फाइनली बच्चे स्कूल जा चुके। ओफो, तो गाइस इतना गर्मी, मतलब इस महीने में होनी चाहिए थी बच्चों की छुट्टी। इस महीने में कुछ ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो बस इसी, लेकिन इस महीने में स्कूल खुल जाते हैं तो और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो गाइस, बस अब तो यही रहेगा सबके, वो में इतने बच्चे बहुत ही सैड सैड से हो रहे हैं, क्योंकि एक महीने की छुट्टी होती है और फिर जाते हैं बहुत ज़्यादा वो करके, तो अपना वो होती है। तो मैं ये तो कह रही, मन का ये वाले महीने या अगले महीने तक की छुट्टी करनी चाहिए, ये 2 महीने ही होते हैं ख़तरनाक गर्मी के। चलो कोई नहीं, स्कूल वालों की मर्ज़ी होती है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो गाइस, आम का सर मुँह पे आ चुका है। तो गाइस, कमेंट में ज़रूर बताना आम खाने से किस किस को पिंपल होते हैं, बिकॉज़ मुझे तो होते ही होते हैं, चाहे मैं एक इतना सा भी कट करके खाऊं तो तभी मुझको या तो इधर निकलता है या इधर पिंपल निकलता है, ज़रूर निकलता है। क्योंकि हर कोई ये कहता है कि आम से होता है, लेकिन ये भी कहते हैं कि जैसे कि उसे धो के पानी में रखो, फ्रीज में रखो, ऐसे मैं सब काम कर लिए हैं, लेकिन चाहे मैं एक ही भी वो लूँ चम्मच से खाऊं वैसे भी तो ज़रूर निकलता है ये। आपके इधर नहीं निकला तो इधर निकल गया पी निकल। चलो कोई नहीं, ये तो ठीक हो जाता है। तो आम तो छोड़े नहीं जाते हैं ना, तो वो तो सबके अपने वो होते हैं। तो गाइस, चलिए मिलते हैं थोड़ा रेडी होने के बाद में। बस थोड़ा, मैं अब सुबह की उठी हुई हूँ 5 बजे की, वहाँ से मुझे अभी हो गया आधा एक घंटा, मैं रेस्ट करूँगी, 9:30 पे इनके पापा आ जाए, फिर ऑफिस जाते हैं, बस फिर उसके बाद रेडी होके फिर वही बच्चे का लंच वगैरह, ये तो सब की मम्मी करती है, सबके उसमें आता है। तो गाइस, चलिए मिलते हैं। तो गाइस, आई एम रेडी, शावर ले चुके हैं, थोड़ा रेडी हुए हैं, बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, उन्हें लंच कराया, वो कराया, तो बस गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ना करिए आजकल आंटी बाल नहीं खोले, पर गाइस इतनी गर्मी में बाल बाल तो वैसे भी नहीं खुलते। तो गाइस, बस ऐसे ही सर वॉश करते हैं, जल्दी जल्दी उन्हें फोल्ड कर लेते हैं, उसमें भी सुकून नहीं मिलना है, बहुत ज़्यादा हो रही है, तो देखते हैं बच्चे। जाइना क्या कह रही है? तो गाइस, डुगू तो थक चुके हैं स्कूल से आके, कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए, फर्स्ट आदत हो जाएगी बेटू। क्या कह रही है जाइना? आज आपके लिए टास्क है। इतने सारे पेन, इसका ये कैसा टास्क है? ये आपको सेल करने हैं, ये सेल करने हैं, किस कैसे देखते हैं कि आप कैसे करोगे, रोड जैसे कि ट्रैफिक में बेचते हैं वही है क्या टॉस? ओ, वो तो बहुत ज्यादा टफ होता है, घर पे करना है। चलो देखते हैं। तो
तो गाइस रोजाना हम इनको टास्क देते हैं, आज ये हमें दे रही है, तो देखते हैं चलो कितना मुश्किल कितना टफ होता है जो ये ऐसे ट्रैफिक में पैन वगैरह वो करते हैं, तो देखते हैं हम कितना कर पाते हैं। चलिए मिल करते हैं। हैप्पी गाइस, चलिए करते हैं। हमें दिया गया है इसका टास्क, तो देखते हैं हम कितना कर पाते हैं, कितना उससे वो करते हैं। तो चलिए किसके पास चलते हैं, ज़ाइना के पास। मैम एक पेन ले लीजिए। मैम आई डोंट वांट। मैम मैम ले लीजिए। आई डोंट। मैम क्या करूंगी मैं, मैम बच्चों के काम आएगा, घर में आ जाएगा। मैम ले लीजिए, मैम ले लीजिए, बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रहे हैं। एक तो हो सकता है आप ऑफिस में भी लेके जा सकते हैं, स्कूल में भी, अपने बच्चों को भी दे सकते हो। प्लीज़ मैम ले लीजिए। हाउ मच? 10 रुपीज। मुझे एक मैम दो ले लीजिए, दो पर 20 के हो जाएंगे। आपके काम आ जाएगा, आपके बच्चों के काम आ जाएगा। मैम घर में आटा भी नहीं है, आटा लेके जाना है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। मैम प्लीज दो ले लीजिए। मैम प्लीज, मैम ले लीजिए, काम आ जाएगा, बच्चों के आ जाएगा, घर पे आ जाएगा, आपके किसी के भी काम आ जाता है मैम, ये तो ऐसी चीज होती है। थैंक यू मैम, लो 20 रुपीज के। मैम दो ले लीजिए। मैम बस 50 के कर लीजिए। सर पेन ले लीजिए। मुझे नहीं चाहिए। सर प्लीज, सर बच्चों के काम आ जाएगा। सर आप ले लीजिए ऑफिस में, अपने घर में सबसे काम होता है। सर बच्चे भूखे हैं घर में, प्लीज सर, बच्चे घर में भूखे हैं, उनके लिए आटा लेके जाना है, प्लीज सर ले लीजिए। नहीं नहीं ले लीजिए सर, बच्चे घर पे भूखे, बहुत ज्यादा भूखे हैं, दो ले लीजिए। ले लो 10 रुपीज। आपका ये बिट्टू भी कह रहा है, देखिए बिट्टू भी कह रहा है आपका। मैम ले लीजिए, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे थोड़ा खाना है। मैंने भी नहीं खाया है, मुझे चाहिए। मैम ले लो। मैम मैम बस दो ले लीजिए। मुझे नहीं चाहिए। आपके बच्चे खुश रहेंगे मैम, आपको दुआ मिलेगी, ले लीजिए। सुबह से बहुत ज्यादा हम उस पर फिर रहे हैं, बिके नहीं है। मैम ले लीजिए, मैम ले लीजिए, देखिए आपका ये ले रहा है। 10 रुपीज लीजिए, देखना इसे इतनी वो आएगी। मैम ले लिया है, थैंक यू मैम। मैम पेन ले लीजिए। मैम प्लीज, अरे चाहिए नहीं। मैम प्लीज मुझे, अरे जाओ दिन मत खराब करो। मैम प्लीज, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत ज्यादा है, हम पे भूखे हैं, हमारी भी हालत खराब चल रही है। मैम प्लीज ले लीजिए, खुश रहे घर में हो रहा है। मैम सिर्फ एक भी नहीं बिताया, प्लीज ले लीजिए। मैम मैम प्लीज, आप इतने पैसे तो ले रही हो, ले लो। मैम मुझे आटा लाना, बच्चे घर पे भूखे हैं, उनके लिए आटा लेके जाऊंगी मैं, बहुत ज्यादा भूखे हैं, सुबह से कुछ भी नहीं। वो क्या है, बच्चे इतनी इसी उम्मीद में बैठे हैं कि वो मम्मी आएंगे और आटा लेके आएंगे, हमें खाने को मिलेगा। मैम आपके बच्चे खुश रहेंगे। मैम ले लीजिए। आप तो अच्छे घर के दिखाई दे रहे हो, महंगे कपड़े पहन। नहीं मैम, आप जैसे ही कोई मैम दे देती है हमें पहनने के लिए, हम वो पहन लेते हैं, और ना हम तो बहुत ज्यादा गरीब है, हम वो उस पर रहते हैं। अब हमें कोई कुछ भी दे देता है, हम तो वही पहन लेते हैं। मैम आप कुछ दोगे, हम वो पहन लेंगे। मैम मैं तो
मैम ये मेकअप नहीं है, थोड़ा वो उसमें रहते हैं ना धूप वगैरह में रहते हैं, पूरे दिन बेचते हैं तो ये हालत हो जाती है। मैम प्लीज ले लीजिए, आपके बच्चे खुश रहे। मैम प्लीज ले लीजिए, मैम आटा लाना है, आप इनके सामने देख लेना मैं आटा ले। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं हाँ मैं मानती हूँ कि हर कोई यही कहता है, लेकिन मैम मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं ऐसे भीख लेके नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा मेहनत करके ही लेती हूँ। मैम प्लीज ले लीजिए, मैम मुझ पर खुद चैन नहीं है। आप कोई बात नहीं, आप ये पैन बिना दो रही है मेरी तरफ से, रखो जाके आटा ले आओ। तुम बता दीजिए मैम, आप मजाक तो नहीं कर रही हो? नहीं ये लो ये भी। पागल इतने पहले मैम थैंक यू, आपके बच्चे खुश रहे हैं, ऊपर वाला आपको बहुत ज्यादा सुखी दे, मैम आपका हर एक खुशी में कामयाबी मिले। मैम थैंक यू। तो गाइस हमने इतने सारे गिफ्ट डाले हैं, तो गाइस देखा ये बिक्री होती है गाइस, वाकई ही कितना मेहनत करनी पड़ती है, वाकई बहुत ज़्यादा आज मुझे महसूस हुआ है जो कोई ऐसे उसमें बेचती है तो वाकई उनकी अपनी मेहनत होती है। मुझे बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर भी मेरी अंदर की वे बातें उभर रही थी कि तो गाइस ये उनके लिए है जो कि ट्रैफिक में ये सब बेचती है तो सबको बनता है, एक तो जरूर ले लें उसके। ये चीज ऐसी होती है कि ये कहीं भी काम आती है, आपके बच्चों के लिए किसी के भी काम आ जाती है। तो गाइस मैं तो यही कहूंगी अरे केयर करें। टास्क मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो गाइस वाकई ही कितना मेहनत होती है उनकी बेचने वालों की बहुत ज़्यादा, तो मैं यही कहूंगी कि जो भी हो ट्रैफिक में उसमें तो गाइस उनसे ले लीजिए, बहुत ज़्यादा वाकई ही बहुत मुश्किल से मेहनत से उससे बेचती हैं बेचारी। मुझे बहुत ज़्यादा वो हुआ, मैंने कहा बताओ कितना मेहनत करनी पड़ती है उससे, तो ज़्यादा है कि आदमी वैसे मांगता है करता है बेचारी, वह तो मेहनत करती है। और पेन ऐसी चीज़ होती है कि घर में ऑफिस में कहीं भी काम आ जाती है। बिट्टू आप कहाँ रहे हो हैं, इससे देखो कहाँ रहा है, कहाँ रहे हो हैं, तो बाकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो मैं तो यही कहूँगी ज़्यादा नहीं 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ की ज़रूर लीजिए, बस इतना। मैं नहीं लेती हूँ, मैंने एक दफ़े ऐसा किया था गाइस कि वो यही बोल रही थी कि आटा लेना है, ये करना है वो करना है, तो बोली पैन ले लो। मैंने है ना उसे पहले तो ये सोचा कि शायद ये ऐसे ही कर रही वो, तो वो अपने बच्चे को ले रही थी छोटे से को न्यू बॉर्न से को, उसकी कसम करके बोली कि नहीं मुझे आटा ही लेके जाना है। तो फिर मैंने उसके 500 रुपीज़ दिए थे, 500 रुपये यानी कि 500 रुपये दिए, बोला कि जाओ आटा ले लो, बोली कि लो पैन ले लो दीदी पैन ले लो। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, पैन भी नहीं चाहिए। तो इतनी इंसानियत तो मुझ में हैगी, ऐसी बात नहीं है। जायना बोल रही आप भी करते हो क्या ऐसा, मैं तो अक्सर करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। आप क्यों आए हो हीं, आपको बुलाया किसी ने, क्या क्या चेक करोगे अब, ये नहीं नो 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 इसे नहीं करते, गंदी बात गंदी बात। किसी करोगे, बस बस लाडूशा लाडूशा। तो गाइस इसकी आईज बंद हो गई थी एक, हमने जब इसे नहलाया, क्या हो गया था जाइना बताना, इसकी आईज में कुछ हो गया था। तो गाइस हम रात तक इसी उसमें रहे टेंशन में, इसकी से किस डॉक्टर के पास लेके जाए कहाँ लेके जाए, और ये बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब सा लग रहा था जब इसकी कि ये बंद हो रही थी, तो ये इतना है क्योंकि ऐसा लगा कि जैसे हमने इसे शैम्पू से नहलाया ना, शायद इसके आंखों में शैम्पू चला गया था उसकी वजह होती। तो ये फिर जैसे ही कम से कम रात के समय में 1-1.5 बजे करीब इनने दोनों खोल लिए, तो जब जाके नो टेंशन हुए हैं इसको भी है। तो गाइस इंसान हो या जानवर हो जब इसे हो गया, मुझे मैं बार बार पूछ रही हूँ बच्चे से इन्ने अपनी ये खोली है, इन्ने अपनी ये खोली है, तरस भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा नहीं मैं अब नहीं बिल्कुल नहीं लाऊंगी इसे, क्या हुआ वो क्यों पट गया। तो गाइस चलिए मिलते हैं अभी। गाइस देखो ये आइसक्रीम का सुनते ही एकदम बाहर जाती है। तो भैया हम ये कहें कि हमारे पे पैसे नहीं ऐसे ही दे दोगे हैं, ऐसे ही दे दोगे क्या हमारे पे पैसे नहीं, अच्छा
तो गाइस इंसानियत बाकी है अभी दुनिया में। तो भैया कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, पैसे नहीं देने हैं, आइसक्रीम ले जाओ। नहीं भैया, मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ, भेज रहे हैं। देखो ये आइसक्रीम चटोरी हो रही है। तो गाइस अन्नी आज के दो, तो गाइस अभी इंसानियत बाकी है। मैंने भैया से बोला कि हमारे हम पैसे नहीं है, हमें आइसक्रीम दे दो। ये कह रहे कोई बात नहीं, खा लो। तो अच्छी बात है, जितना आदमी गरीब होता है उतना ही उसका, उतना ही बड़ा उसका दिल होता है। तो गाइस बस भूख हो गई है, भूख के साथ आइसक्रीम वगैरह भी खा चुके हैं। तो गाइस बस इस व्लॉग को ही एंड करते हैं। जिसने लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखना। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, बाय।